मेरे पीछे आप ये जगह देख रहे हो, कोई आम प्लेस या आम स्ट्रीट फूड जगह नहीं है। यहाँ पे जो भी चीज़ बनाई जाती है एक तो बहुत ही ज़्यादा बल्क और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में। गोली वोली बुलेट ट्रेन सब फीके हैं भाई, इतनी ज़्यादा तेज स्पीड। आओ फटाफट दिखाता हूँ। भाई तूफान सिंह जी का जो तूफान है वो हो चुका है शुरू। अब यहाँ पे लग रहे हैं सर कितने बर्गर? 16 बर्गर एक साथ। अब आप बर्गर चेक करो, सारे बर्गर्स को 3 हिस्सों में काटा जा रहा है भाजी। 3 हिस्सों में काट करो, 3 लेयर बर्गर है वहाँ। अब आगे देखो यार, तीनों लेयरों में आएगा क्या क्या। अब लेयर्स तो बन रही है तो इनमें कुछ सामान भी भरा जाएगा। तभी पे आगे मक्खन दे के जुबान मेरी गई है जी फिसल। अब ये ऊपर बंद सेके जा रहे हैं भाई, बैक साइड सेक लो ना बंदी, फ्रंट दोनों। बैक एंड फ्रंट दोनों अच्छे से मक्खन में लपेट दिए जा रही हैं। लपेटू हो रहा है बिल्कुल मक्खन के साथ। बर्गर नाल अलाइन भी करते तुम प्रॉपर बना लो। देखो स्पीड में लोग कहते काम जल्दबाजी होता, पर यहाँ पे स्पीड के साथ बिल्कुल प्रॉपर काम हो रहा है। अरे अब क्या आ रहा है ऊपर? सैलड आ रहा है। बर्गर के ऊपर आ गया बारीक कटवा बढ़िया प्याज, और बर्गर पे जो आया ना वो जो मक्खन है उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई है। पर आगे जी मंचूरियन भाजी, आज थोड़ी स्पीड अगे ना मेरा बोलना फेल हो गया। मैं बोल कुछ रहा स्पीड में कुछ हो रहा, कमाल हो रहा है बस। ये आ रहे जी ऊपर मंचूरियन। सर कितने का बर्गर है? 40 का भाजी, 40 रुपये का बर्गर और मंचूरियन भी आएगा। हाँ जी मंचूरियन, पंजाबी चाइनीज बर्गर है, चाउमीन तो आएगी, चाउमीन भी आएंगे। नेक्स्ट स्टेप ठीक है सर, तंदूरी सॉस है। स्पीड भाजी क्या बताऊँ कितनी तेज है यहाँ पे, देखो आप। यहाँ पे बर्गर इस हिसाब से बन रहे कि आप खड़ो बस आराम से देखो और मजा लो इस चीज़ का। अब ये एक लेयर पूरी हो चुकी है जिसके अंदर है जी मंचूरियन, सॉसेज और सलाद। अब ये दूसरी लेयर को भाई साहब ये हो रहा है मक्खन स्नान। आएगा ना सर? वाह, ये चीज़ मैं पहली बार दे रहा हूँ कि बन के ऊपर ऑर्गेनो आ रहा है। टिक्की रखने की स्पीड देख करो, ये देखो एक बार में 3-3 टिक्कियाँ। अब ये शुरू हो गई थी चाउमीन आनी। अरे पक्का 40 रुपये का बर्गर है बस, 40 रुपये। बहुत ज़्यादा लोडेड बर्गर है। इसमें आ गया भाई टिक्की, नूडल, मंचूरियन, मतलब आपको 3-4 चीज़ों का स्वाद एक ही बर्गर के अंदर। सर ये क्या रहे उन मायो भाजी, ये स्टाइल चेक करो यार भाजी का। मेयोनीज डालने का लोग माप के डालते हैं भाई, इससे ज़्यादा ना चली जाए। पर ये देखो कोई कंजूसी नहीं, वो देखो। अब ये आ रही है ऊपर कैचअप, एक भाजी का मसाला और ऑरिगैनो। और अब ये बर्गर लगाने की स्पीड देखो एक बार दोबारा, ये देखो कमाल है भाजी। 16 बर्गर बनाने में यार सेकंड ही लगे हैं, मिनट का टाइम ही लगा यहाँ पे भाजी। अब जो लोग कहते हैं ना गोली की स्पीड से बिकने वाला स्ट्रीट फूड बुलेट ट्रेन की, अब आज से बोला करो तूफान भाजी की स्पीड से बिकने वाला स्ट्रीट फूड, क्योंकि इनसे तेज मैंने देखा नहीं कोई वेंडर अभी तक। अब ये स्पीड चेक करना एक बार, बर्गर पैक करना। ये क्या बर्गर पैक और ये हुआ पैक। मेरे बर्गर देखो सामने तवे में भाजी ने बना के रखी है, और इधर खड़े हैं जी कस्टमर्स बर्गर को ले जाने को, और फटाफट यहाँ से बर्गर पैक होकर ऑर्डर जाते जा रहे हैं। रश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तूफान सिंह जी बना रहे हैं यहाँ पर कुछ पानी निकल। यहाँ चेक करो भाजी, गई नहीं 10 फुट तक। भाजी यहाँ पे रोटी बनाते हैं आगे इतनी खतरनाक निकलती कि ऊपर शेड तक चल गया, तो पुराने वाला यहाँ पे लोहे की शेड लगाना पड़ता है। सर ये कितनी प्लेट नूडल्स लग रहे हैं? 2 प्लेट। यार यहाँ पे आके क्या मेन मजा पाओ, अपना ऑर्डर दो। जब तक आपका ऑर्डर वैसे तो 1-2 मिनट में मिल जाएगा, जब तक आपका ऑर्डर नहीं मिलता ना बोर नहीं होगी। इतना कमाल की यार यहाँ पे कुकिंग स्किल्स है ना, आपको क्या बताऊँ। अब ये वोक में नूडल्स आ गए, विनेगर आ गया, ढेर सारी सब्जियाँ आ गई, चिली सॉस नहीं भाई स्पेशल अपनी सॉस और सोया सॉस। एक सुरीली धुन बना दी भाजी आपने। अब ये बन रहा है सैलड, बर्गर के लिए सैलड। अब ये आम को क्रीम सैलड नहीं है, ये भी तूफान सिंह का तड़के वाला सैलड। सर तड़के क्या है? तड़के भाजी प्याज, शिमला मिर्च, मक्की के दाने, गाजरा, ये चीज़ें भैया तो बाकी अपनी सोसेस देखते। अब ये चेक करो यार, इसमें प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्नस और ढेर सारे मसाले। अब ये आएंगे इनकी खुद की सॉसेस। भाजी ये तो पूरा तवा ही आपने छुपा दिया। कितने बर्गर है ये? 24 बर्गर हैं जी। 24 बर्गर एक बार में। अब ये चीज़ चेक करो भाजी, चला के दिखाना। अब ये है जी गोली, ये देखो ये भाई साहब गोली नहीं, गोलियाँ हैं 147 की। जो एक बार प्रेस करो और इकट्ठी निकलती है, ठाठा ठाठा करते। खतरनाक खतरनाक खतरनाक। आज तक ना भाजी मैंने इंटरनेट पे ऐसी वीडियोस देखी थी कि लोग इतना तेज भी काम कर सकते हैं, पर मेरे को ये नहीं पता था यहाँ पे हमारे पंजाब में भी ऐसा चीज है। अब ये देखो यार, ये देखो 24 बर्गर्स एक साथ। यार ये चेक करो कमाल की चीज। नूडल बर्गर मैंने इतने ज्यादा खाए हैं बचपन से लेके अभी तक कि कोई जवाब नहीं हो सकता कितने हजारों में खा लियो, पर ये चीज ओह इसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई निचोड़ नहीं। क्योंकि इसमें है जी ये देखो मंचूरियन, एक लेयर एक मंजिल मंचूरियन की है। फिर आए बहुत सारे ढेर सारे नूडल्स, चाउमीन। ओहो मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा। मज़ा क्यों है? खाने में तो आएगा ही, देख के जो मज़ा आया, आनंद आया, अलग ही बात है। कट कट कट, क्या स्पीड थी यार वो। आ जाओ फिर, थोड़ा मैसी हुआ होगा बर्गर ना, चाउमीन बर्गर कितना मर्जी आप प्यार से खा लो मैसी होगा ही होगा। और ये चीज़ है ना यार एक्चुअल में दोबारा आने वालों में यहाँ पे बिना कैमरा ये बर्गर खाने के लिए, इतना मेरे को मज़ा आया इस बर्गर के साथ। ओहो तो यार मैंने तो बर्गर पूरा खाया, पाजी ने लगाया दिमाग पर। ये चीज़ सही की आपने पारी, ये है बड़ा ही क्लासिक। मैंने सबसे पहले टिक्की देखी है, क्या बात है। क्योंकि हर बर्गर में टिक्की तो मस्ट होती है ना, लेकिन ये देखिए कितनी क्रिस्पी, और जहाँ से कट की गई है वहाँ से भी अच्छी तरह से कुक की गई है। और तीसरी लेयर में देखिए, लेयर खेल यहीं खत्म नहीं होता, आगे भी चल रहा है। ये देखिए जी, ये है जी इनका सैलेड। जो सैलेड वाला बर्गर है ना वो ये रहता है जी, इसमें कॉर्न्स आते हैं, इसमें कैप्सिकम है, प्याज है, बहुत कुछ है इसमें जनाब। तो खेल यहाँ भी खत्म नहीं होता है, खेल जो है वो है बड़ी सी बाइट का। तो बड़ी सी बाइट रेडी करते हैं, लीजिए जी पंजाबी बर्गर की पंजाबी बाइट। कहते हैं जब ओवरलोडेड बर्गर खाओ ना तो जनाब मूछें बननी चाहिए। भाई साहब बर्गर तो आपके आसपास भी मिलते होंगे, चाउमीन वाले भी मिलते होंगे, टिक्की वाले भी मिलते होंगे, लेकिन इतना ओवरलोडेड बर्गर सिर्फ 40 रुपीज़ का आपके आसपास नहीं मिलता हो। तो पाजी इसमें स्पेशल रहने वाला नूडल, टिक्की और मंचूरियन और क्रीमी सैलेड। यार एक ही बर्गर में 3-3 चाइनीज आइटम आ गई है भाई साहब, अल्टीमेट यार पैसा वसूल, पैसा वसूल। और भी 40 रुपए में यार। थोड़ा सा मैसी रहेगा, बट जितना मैसी है उतना ही क्रीमी, उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही लाजवाब। कुछ अनोखा, कुछ अवश्यनीय, कुछ अद्भुत और कुछ अनोखा मस्तीदार। बस बस मोगी डिक्शनरी मोगी।